देश दुनिया में कोरोना का खतरा। देश में 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आए। चीन में टेंट में रखे जा रहे शव। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 228 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 4 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 2503 है। इधर चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पर नजर रखने वाली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के मुताबिक चीन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहां शमशानों में जगह नहीं होने के कारण टेंट में शव रखे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से जबलपुर आई 38 साल की महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि महिला 23 दिसंबर को मुंबई पहुंची थी, वहां से जबलपुर आई। उसके सैंपल जिनोमो सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। महिला के परिजनों के सैंपल भी भेजे गए हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 32 मामले सामने आए। इनमें से 11 मामले पुणे और मुंबई में मिले। 12,916 लोगों की टेस्टिंग की गई है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने बताया कि वह देश में 11 दिन में आए 124 इंटरनेशनल ट्रेवल्स में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।